मैकमिन सर आइए 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 गुड आफ्टरनून सर नमस्कार नमस्कार बैठिए थैंक यू सर बैठिए आपका नाम है दीपक कुमार यस सर ठीक है आपकी उम्र क्या है दीपक सर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ईयर्स के आप बहुत बढ़िया अटेम्प्ट कौन सा है सर दूसरा दूसरा अटेम्प्ट गुड बहुत कम उम्र में जो बच्चे यहाँ आते हैं हमें लगता है कि उनको तो निश्चित रूप से स मिलनी चाहिए अभी आपसे बात करके देखते हैं पहले आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए कि उसके बाद हमें ये पढ़ना ना पड़े आपका फॉर्म सर मेरा नाम दीपक कुमार है मैं बिहार राज्य केमूर जिले का निवासी हूँ ठीक है मैंने अपना स्नातक इतिहास विषय से मगध यूनिवर्सिटी से किया है ठीक है और मैंने यूपीएससी के दूसरे प्रयास में इंटरव्यू सेशन तक पहुँचा सर कुछ आपकी रुचि वगैरह हो सर मुझे क्रिकेट खेलना भोजपुरी लोक संगीत सुनना और भारतीय व्यंजनों को कु, कुकिंग करना सब पसंद है अच्छा तो दीपक आपका नाम दीपक है और विषय इतिहास है तो मुझे दीपक का इतिहास बताइए पहले दीपक एक एक तरह से डिवाइस थी जिससे हम अंधेरे समय में प्रकाश कर लेते थे एक जमाने में आप ये बताएं कि मनुष्य का जो प्राकृतिक प्रकाश है वो तो सूर्य है थोड़ा चंद्रमा है प्राकृतिक प्रकाश के अभाव में मनुष्य ने प्रकाश के अरेंजमेंट कैसे कैसे किया इसका पूरा इतिहास पाँच से छः चरणों में समझाइए सर सबसे पहले आदिम समाज में जब अंधेरा होता था तो कुछ देखने की व्यवस्था नहीं थी तो आदिम समाज ने आग का प्रयोग सर सबसे पहले किया दो पत्थरों को रगड़ के आग उत्पन्न किया ठीक है उसके बाद सर उसी आग के सहारे अपनी जीवन की सुरक्षा की पर कंट्रोल कैसे होती हुई जैसे एक पेड़ में आग लगा दी रात को देखने के लिए उसके बाद जंगल सहा हो गया सर पेड़ में नहीं एक्चुअली लकड़ियों को इकट्ठा करके आग लगाते थे ठीक है धीरे धीरे अच्छा, कंट्रोल कर लो यस सर ठीक है उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य जागरूक हुआ बौद्धिक चेतना का विकास हुआ तो उससे पता चला कि इसके अन्य भी कार्य हो सकते हैं तो रोशनी के अलावा खाना पकाने में उसके बाद जंगली जानवर से नहीं, मुझे तो रोशनी के इतिहास में रुचि है आग के इतिहास में नहीं रोशनी करने के लिए कहल आपने बताया कि आग से लकड़ी जला ली यस उसके बाद इतिहास आगे कैसे बढ़ा सर उसके बाद एक यज्ञ प्रकरण सामने आता है दिन के समय जो वैदिक समाज था या उसके पहले जो हड़प्पाई काल थे तो जब न काल में आँख ही खोजी उसके बाद हड़प्पाई समाज में हम चरण में प्रवेश किए उसके बाद सर आग से हमने ये देखा कि प्रकाश भी उत्पन्न किया जा सकता है तो उसी को व्यापक मात्रा में एक दीप का प्रयोग करते हुए जैसे मिट्टी के बर्तनों का चाक का प्रयोग करते हुए उसको प्रयोग में लाया गया जिससे प्रकाश उपलब्ध हो सके ठीक है आगे जाकर इससे सर अग्नि को मतलब पूजा का महत्व तो दे दिया गया अग्नि पूजन की बातें सामने बार बार प्रकाश के इतिहास से अग्नि के इतिहास में शिफ्ट हो जाते हैं मैं केवल प्रकाश के इतिहास पूछ रहा हूँ आपसे है ना अब तक मैं दो ही पॉइंट समझ पाया हूँ आपके निबंध में से पहला ये याग्ञ जलाई हमने यस सर ठीक है दूसरा ये कि हमने उसे दीपक जला लिया यस सर उसके बाद बताइए फिर क्या हुआ सर उसके बाद दीपक को सर सांस्कृतिक रूप दे दिया गया जैसे हमारे महाकाव्यों से जोड़ा गया इसे रामायण में आप फिर नहीं समझ रहे मेरी बात आप जिस परीक्षा के लिए आ रहे हैं जिस पद के लिए आ रहे हैं उस पद की अपेक्षा ये भी होती है कि आपसे जो पूछा जाए आप केवल वही जवाब दें ठीक yes, है मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि अंधेरे के समय प्रकाश की जरूरत से निपटने के लिए मनुष्य ने इतिहास में क्या क्या उद्यम किए अभी तक आपने बताया कि उसने पहले पत्थर से आग जलाई सर yes, और दूसरा आग से दीपक जला लिया yes, उसके बाद क्या बताइए सर उसके बाद यही प्रक्रिया निरंतर बढ़ती चली गई सर एल एलईडी का लैम्प आ गया बल्ब आ गए पहले बल्ब का एडिसन ने किया सर। ये सब कुछ भी नहीं हुआ मशाले बनी वो सब नहीं हुआ इसमें सर मुझे लगा आपने केवल दिए के उपलक्ष में पूछा है तो कहा कि मनुष्य के सभ्यता का इतिहास पूछा प्रकाश का इतिहास पूछा अच्छा चलिए कोई बात नहीं अब आप ये बताएं कि आप गोंड जनजाति से आते हैं गोंड जनजाति का मुख्य इलाका तो मैंने सुना कि मध्य प्रदेश है थोड़ा सा इलाका बिहार भी, भी है गोटुल क्या होता है सर गोटुल एक मुख्यतः आवास होता है सर गोंड जनजाति में जहाँ पे एक अविवाहित जोड़े को सर रखा जाता है क्यों रखा जाता है ताकि एक समझ विकसित कर सके और अपने जीवन साथी का चयन कर सके मतलब एक ही जोड़े को रखते हैं या कई बच्चे वहाँ पर एक कमरे में एक जोड़े को रखते हैं सर ऐसे कई कमरे होते हैं क्या ये कह सकते हैं कि वो को लिविंग का एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है जो हमारे देश के ट्राइब्स में को लिविंग से बड़ी चीजें जिसको आप डेटिंग से भी आगे बढ़ा के कोर्टशिप कह सकते हैं वो व्यवस्था है जी सर एक दूसरे को समझने के लिए ऐसी व्यवस्था जनजातियों में की गई है नहीं वो केवल समझने का मसला है या उसमें फिजिकल रिलेशन भी शामिल है सर जहाँ तक मेरी जानकारी है समझने का ही मामला है सर अच्छा मुझे ये बताइए कि ट्राइबल्स को सभ्य समाज से क्या सीखना चाहिए ये तो दुनिया जानती है सभ्य समाज को ट्राइबल्स से क्या सीखना चाहिए ऐसे पांच बातें बताइए सर सबसे पहले तो सर प्रकृति पूजा सीखनी चाहिए जो वनस्पतियों की पूजा करते हैं दूसरी सर अपनी संस्कृति की जो विविधता है उसके बारे में सीखना चाहिए तीसरा सर सबसे बड़ी बात आमतौर तो पर भारत के सभी ट्राइब्स में देखी जाती है एक जो लैंगिक समानता का पक्ष है बहुत बढ़िया वो सीखना चाहिए ठीक है और सर चौथा यह है कि जो पारंपरिक आयुर्वेद जैसी जो चीज़ें हैं उसे सीखना चाहिए सर और ट्राइबल मेडिसिन यस सर दा दा ट्राइबल मेडिसिन ठीक है और और सर पांचवा ये सीखना चाहिए कि हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं अपनी जो जमीन और संस्कृति है उससे हमेशा जुड़े रहना चाहिए बहुत बढ़िया सर दीपक दीपक आप तो एक युवा प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं अपने आसपास घटित चीज़ों को आप देख रहे हैं अगर आपने हाल में देखा हो तो सरकार ने कई बहुत जो सख्त फैसले हैं उन्हें बहुत ही सहज तरीके से अचानक तरीके से ले लिया 370 सौ आपके सामने है ही हमने देखा कि कैसे राज्य नए बनाए गए कल्पना कीजिए कि की एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है और आप उसके अध्यक्ष हैं सब कुछ आपने तय करना है आपको मालूम ही है इसके लिए कुछ चीज़ें पूछने पाछने की जरूरत तो बची नहीं है संसद में एक दिन करेंगे अगले दिन नए राज्य बन जाएंगे ठीक है दस राज्यों में पूरे देश को बांटना है आपके अनुसार ये दस राज्य अब क्या होंगे अभी हम जानते हैं कि पहले भाषा के आधार पर बनाए गए फिर संस्कृति के आधार पर बनाए गए अलग अलग विकास के आधार पर बनाए गए अब इतने ज़्यादा हो गए हैं उसकी कोई औचित्य नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ गया है अब उतने दूर दूर की परेशानी नहीं है दस राज्यों में बनाना है बताइए ये, ये राज्य क्या होंगे सर वर्तमान समय को देखते हुए तो राज्य का एक जो संकुचन है वो किया नहीं जाना चाहिए अगर लेकिन फिर भी मुझे, मुझे मौका मिलता है अगर मुझे ऐसी शक्तियाँ मिलती हैं कि मुझे एक सभी राज्य रक्षा द्वारा से रिड्रॉ करना है बताइए क्या कर रहे हैं तो सर मैं भौगोलिक आधार पर राज्यों का विभाजन कर सकता हूँ सर वेरी गुड जो मध्य भारत जो उत्तर के गंगा के मैदानी भाग हैं उनको एक राज्य में कर दिया एक हो गया गेंजेटिक प्लेन्स यस सर ठीक है और दूसरा सर जो डेक्कन के इलाके हैं जो प्लेटू इलाका है उसे एक स्टेट में कर सकते हैं सर थर्ड सर राज्य हो हाँ सर थर्ड सर जो हिमालयी राज्य हैं उन्हें एक तरफ कर दिया जा सकता है और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जो छोटी पहाड़ियाँ हैं उन्हें सर एक राज्य में पिरो दिया जा सकता है ठीक है और सर उसी के अंतर्गत जो राज्य का विभाजन है जो विभिन्न संस्कृतियों के एक छिटपुट तरीके से हम कर सकते हैं ताकि राज्यों की संख्या बढ़ाने से जो केंद्रीकरण है वो हावी ना हो एक विकेंद्रीकृत स्वरूप सामने आ सके सर चलिए कोई बात नहीं दीपक आपने मेंशन किया है कि आपको कुकिंग uh, पसंद है यस सर आप इंडियन डिशेस बनाना पसंद करते हैं यस yes, सर थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आपका आज तक का जो जीवन है वो एक डिश है तो बताइए फिर इसका कुक कौन है कौन है या क्या है जरूरी नहीं है व्यक्ति होगा कुछ और भी हो सकता है अगर अब तक का आपका जीवन एक व्यंजन है तो उसका पकाने वाला उसका वो कौन है कुक कौन सर निश्चित रूप से मेरे माता पिता हैं सर चलिए आपका अब तक का जीवन जो है वो एक डिश है माता पिता उसके कुक हैं तो फिर उसके स्पाइसेस उसके मसाले क्या हैं सर उनके द्वारा जो दिए गए नैतिक मूल्य हैं वो हैं सर अच्छा इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए बताइए फिर इस डिश का क्रिटिक फूड क्रिटिक कौन है कौन इस व्यंजन का स्वाद लेके बताने वाला है कि इसमें क्या क्या कमी है सर आ, सोसाइटी आ, मेरे मित्र और आप जैसे सर सम्मानित बोर्ड अगर इसी को और आगे जारी रखें तो फिर इस पूरे व्यंजन का स्वाद क्या है सर जहाँ तक अभी तक मेरे जैसे व्यंजन का स्वाद जिसने मेरे माता पिता या मित्रों ने लिया है अभी तक ऐसा ही बताया है कि आमूलचूल परिवर्तन के बाद या संभवतः ठीक ठाक ही है सर <laughs> दीपक मुझे आप ये यकीन दिलाइए कि आप इस नौकरी के लिए अभी बहुत इमेच्योर नहीं है अपरिपक्व नहीं अगर मान लीजिए आपकी आयु की वजह से या किसी आप बिल्कुल लीगली आप एकदम योग्य हैं आप परीक्षा दे सकते हैं लेकिन एक गंभीर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आप में पर्याप्त गुण हैं इस बात के लिए आप मुझे अगर कन्विंस करना चाहें तो मुझे क्या बताएंगे सर जहाँ तक मेरा मूल्यांकन मेरे माता पिता और गुरु ने किया है उनके मैं केवल मेच्योरिटी के मापदंड से जानना चाहूँ परिपक्वता आपके अंदर आ गई है इसका इसे बताने के लिए आप क्या बात बताना चाहेंगे सर मेरे अंदर एक संवाद जो संबंध स्थापित करने की क्षमता है वो मुझे ऐसा लगता कि है कि मेरे अंदर ज़्यादा है मेरे अंदर धैर्य और सहनशीलता ज़्यादा है और तीसरी सबसे बड़ी बात कि मैं सीखने के लिए हमेशा आतुर रहता हूँ मैं नई नई चीज़ों को सीखना चाहता हूँ तो एक परिपक्वता की निशानी कह सकते हैं सर चलिए ठीक है सर दीपक सर आप गोंड जनजाति से बिलोंग करते हैं सर गोंड जनजाति की आ, कुछ विशेषताओं को बताइएगा सर गोंड जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता यह है सर कि जो क्लॉक होता है जो नॉर्मल क्लॉक होते हैं और गुंड जनजाति क्लॉक होते हैं और सर इ होते हैं जैसे हम बारह एक दो तीन चार करते हैं तो वहाँ पे घड़ियाँ उल्टी क्रम में चलती हैं सर बारह से फिर ग्यारह क्यों सर ऐसा एक पीछे एक साइंटिस्ट रीजन माना जाता है कि जैसे पृथ्वी के घूर्णन करने की परंपरा है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है तो पृथ्वी की तरफ चलती है सर क्लॉक जो चलती है जो मतलब की क्लॉक वाइज चलती है सर ए सॉरी एंटी क्लॉक चलती है सर मुझे इसके बारे में अभी पूर्णता जानकारी नहीं लेकिन पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में उस क्लॉक को डिजाइन किया गया है सर अच्छा ये बात है गुंड जनजाति मतलब एस्ट्रोनॉमी को लेकर बड़ी विकसित मानी जाती रही है क्या कोई योगदान है कौन कोई योगदान है एस्ट्रोनॉमी में खगोल शास्त्र में हाँ सॉरी सर अच्छा इसके बारे में गुंड जनजाति रावण की पूजा करती है हाँ सर ऐसा क्यों सर मुख्यतः ये मंदसौर के इलाके के जो गुंड जनजाति है वहाँ पर सर रावण की पूजा की जाती है ऐसा माना जाता है कि जो मंदोदरी थी वो वहाँ की मतलब कि कन्या थी जिनका विवाह रावण के साथ हुआ था तो इस वजह से रावण की पूजा की जाती है। रावण कुछ के कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताएंगे जिसको जीवन में अपनाना चाहिए सर रावण ने भले ही एक स्त्री का हरण किया लेकिन बिना उसकी अनुमति के उसे छुआ तक नहीं ये उसका नैतिक मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है सर केुआ मत नहीं एक उसको अगर उसका वश चलता तो वो अपहरण करके कुछ बलपूर्वक कार्य भी कर सकता था लेकिन उसने अपने संयम को दिखाया तो इतना था तो उसको कर ही ले जाना चाहिए था कि कि चलना चाहती हो नहीं। जी सर जरूर ऐसा करना चाहिए था कुछ और आ, दूसरा सर जो एक उसे ज्ञानी माना जाता है एक वो भी सर कहा जा सकता है ठीक है ये गोंड भाषा जो होती है ये किस परिवार की है मतलब ह्यूमेनाइड के बारे में सर शायद ऑस्ट्रोलाइड है सर ऑस्ट्रोलाइड है द्रविडियन है आर्यन है किस परिवार की भाषा है सर ऐस्ट्रोलाइड है शायद है अभी सर से आप बता रहे थे कि अपनी संस, अपनी परंपरा संस्कृति को संरक्षित रखना चाहिए दोनों में कोई अंतर होता है या ऐसे ही है संस्कृति और परंपरा में कोई अंतर है सर जो संस्कृति होती है परंपराओं का ही एक अग्रिम रूप बोल सकते हैं उसे जो लंबे समय तक चली आती है उसे ही संस्कृति का नाम दे दिया जाता है उदाहरण परंपरा और संस्कृति को अलग अलग करने वाले कुछ उदाहरण बता सकते हैं सॉरी सर अच्छा केवल सैद्धांतिक रूप से ये आप बिहार के जिस जिले से हैं ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से लगता है सर चंदौली से सर चंदौली से लगता है इसको अलग कैसे किया जाता है वहाँ पे एक नदी है कर्मनाशा। कर्मनाशा तो विभाजन करती है कहाँ से निकलती है सर सर कैमूर पहाड़ी से सरकारी नदी की कुछ मान्यताएं हैं जो उसको अपवित्र माना जाता है ऐसा कुछ है सुना है आपने क्या है वो सर उसे ऐसा मान जाता है कि जब उसका फ्लो हो रहा था तो उसके रास्ते में जो भी गांव थे जो भी बस्तियां थी उसे उजाड़ते हुए उसने अपना मार्ग बनाया है तो उसे अपवित्र माना जाता है सर। तो चलिए ये तो एक आ, आ, मतलब मान्यता हो गई जो वैज्ञानिक होगी नहीं वैज्ञानिकता क्या है इस नदी के फायदे क्या है सर ये नदी जंगलों से बहते हुए आती है तो एक जो प्रजाति संरक्षण कार्य है वो इस नदी में आसानी पूर्वक किया जा सकता है कौन सी प्रजाति रहती है विशेष रूप से करुणाशा में मगरमच्छ सर मगरम केवल करमनाशा में ही रहते हैं सर मतलब उस इलाके में कर्मनाशा में रहते हैं सर सरनाशा में और और सर ये इस ये नदी छिछली है सर ऊपर से छिछली है बट अंदर से गहरी है तो जो नौकायन है जो मैदानी इलाकों में नौकायन है वो सर आसानी से हो जाते हैं भभुआ को क्या फ़ायदा है कर्मनाशा से सर सिंचाई क्षेत्र में सर ये कहाँ जाके मिल जाती है किस नदी से मिलती है जाके सर बक्सर के समीप गंगा नदी से सर अच्छा ठीक है गोंड पेंटिंग के बारे में क्या बुरा आपकी क्या जानते हैं आप सर ऐसा कोई प्रमाणिक पेंटिंग तो मिला नहीं है नहीं। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है सर ठीक है दीपक दीपक मुझे ये बताइए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कितने मेंबर हैं और इसका मुख्य कार्य क्या है सर मेंबर के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन मुख्य कार्य यह है कि जो राष्ट्र आतंकवादी गतिविधियों वित्त पोषण करते हैं उन पर सर अंकुश लगाने का कार्य अच्छा इसमें दो तरीके की लिस्ट हैं ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट तो किन देशों को ग्रे लिस्ट में डाला जाए और किन को ब्लैक लिस्ट में सर, क्या कारण है उसका क्राइटेरिया क्या है सर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा लेकिन मैं अनुमान कर सकता हूँ सर बताइए सर ग्रे लिस्ट ए, इस वजह से डाला जाता है कि उन पर एक आतंकी वित्त पोषण का शक या संदेह और ब्लैक लिस्ट इस वजह से डाला जाता है ताकि इसकी पुष्टि हो सके कि सच में वो आतंकी वित्त पोषण में शामिल है सर ठीक है आप मुझे ये बताइए कि वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट जिसको कहा जाता है उसमें कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सर मुख्यतः सऊदी अरब और ईरान में सर ये कॉन्फ्लिक्ट क्या ये सऊदी अरब या ईरान के जोग्राफिकल एरिया में चल रहा है या और कहीं चल रहा है सर और कहीं सीरिया में भी चल रहा है सर कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद सर जो यमन में है हुती विद्रोह हुआ था वहाँ भी सर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यमन विद्रोह में कौन से दो देश शामिल हैं सर शा... सर मैं भी याद दी कर पा रहा हूँ ये तो मैंने बीच में रोक दिया वरना आप अभी दो तीन और मुहावरे बीच में लेके आते हैं है ना मुझे ही लगा कि मैं गरिमा का ध्यान रखूँ पूरे बोर्ड की yes. तो भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मतलब करना तो बाहर भी नहीं चाहिए लेकिन बोर्ड में तो नहीं करना है okay, ठीक है और पूरे इंटरव्यू का सार ये है मुस्कुराओ कम अब जैसे हो तुम ठीक हो ओके सर जितना मुस्कुराना चाहिए वहाँ मुस्कुराओ जहाँ मुस्कुराने की बात हो वरना क्या होता है कि चुभता है तो ये आपसे सीरियस सवाल पूछ रहे हैं और आप सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप इस भाव से देख हाँ रहे हैं यहाँ पूछ ले क्या पूछेगा बहुत देखे तेरे जैसे मैंने ये भाव आता है मन में तो वहाँ मुस्कुराहट चुपती है उससे बचिए बाकी अच्छी बात है कि आपकी एज कम है कॉन्फिडेंस अपने ज़बरदस्त है देखते स्मार्ट हुई मेरा अनुमान है कि आपकी रेंज तो है बहुत शानदार मुस्कुराओगे कम डरोगे नहीं इमेजिनेटिव किस्म के प्रश्नों पर अच्छा जवाब जरूर दोगे भाषा ठीक रखोगे तो प्रॉपर आई से नीचे कुछ नहीं मिलेगा आपकी और आपके आई बनने के बीच में एक ही व्यक्ति है बस वो आप ही हैं ठीक है डरो मत ये जोक यहाँ सुन लिए अच्छा हुआ ना कल को वहां सुनते <laughs> इसका पूरा पर्पज यही है ना कि यहाँ वो गलतियां पकड़ में आ जाए yes. वहां होनी चाहिए तो मेन काम मुस्कुराहट कम रखनी है कैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है जो पूछे टू द पॉइंट वही बताइए घूमी मत दाए बाएं और नॉलेज आपकी ठीक है बस ट्राइबल एस्पेक्ट में थोड़ा सा पढ़ लीजिए बाकी सब ठीक है एकदम ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक सर